नमस्कार साथियों, वेलकम आप सभी का। तो साथियों, आज हम मैच कवर करेंगे T20 वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला जो खेले जाने वाला है यूएसए वर्सेस कनाडा के बीच में। यूनाइटेड स्टेट वर्सेस कनाडा के बीच में पहला T20 मुकाबला जो खेले जाने वाला है 2 जून को 6 बजे मुकाबला स्टार्ट होगा ग्रैंड प्रेरी क्रिकेट स्टेडियम डालसा यूएसए की पिच पर। तो दोस्तों, आज के मैच में हम ग्रैंड लीग की टीम कैसे बनाएं, कौन से खिलाड़ी को दोस्तों यूएसए की टीम से कैप्टन लगा के चलें, कौन से खिलाड़ी को दोस्तों कनाडा की टीम से वाइस कैप्टन लगा के चलें, कितने ट्रंप प्लेयर दोस्तों यूनाइटेड स्टेट की टीम से देखने को मिलेंगे और कितने ट्रंप प्लेयर दोस्तों कनाडा की टीम से देखने को मिलेंगे, क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है यूनिक ग्रैंड लीग टीम का, कौन सा खिलाड़ी ट्रंप प्लेयर में देखने को मिलेगा, कौन सा बॉलर सबसे ज्यादा विकेट लेके जाएगा, कौन सा खिलाड़ी दोस्तों हमें स्मॉल लीग टीम में ट्राई करके चलना है, तो ये पूरी जानकारी दोस्तों आपको वीडियो के अंदर मिलने वाली है। वीडियो को कंप्लीट देखते चलना। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से दोस्तों वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। आने वाली लगातार अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे ग्रैंड प्रेरी क्रिकेट स्टेडियम की जो पिच है यूएसए की वो किस प्रकार से है, बैटिंग पिच है या फिर दोस्तों यहां पर बॉलिंग ऑर्डर अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। इस पिच पर दोस्तों एक भी इंटरनेशनल मुकाबला खेला नहीं गया है, यहां पर मुश्ताक अली ट्रॉफी के मैचेस खेले गए थे उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। उसके अकॉर्डिंग यहां पर बात करें पिच रिपोर्ट के बारे में तो यहां पर दोस्तों पिच बैटिंग पिच देखने को मिलेगी। टोटल इस पिच पर 12 T20 मैचेस खेले गए हैं। जो टीम दोस्तों पहले बैटिंग करती है उस टीम के विनिंग चांसेस थोड़े से ज्यादा देखने को मिलेंगे क्योंकि 8 मुकाबले जो टीम पहले बैटिंग करती है उस टीम ने विन करके रखे हैं। सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 3 मुकाबले दोस्तों यहां पर विन करके रखे हैं। एवरेज स्कोर लगभग जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी उसका एवरेज स्कोर 166 के करीब देखने को मिल सकता है। सबसे ज्यादा स्कोर दोस्तों यहां पर एसएफयू की टीम ने बनाया था 215 रन। सबसे कम स्कोर दोस्तों एलएकेआर की टीम ने बनाया था ओनली 50 रन पे ऑल आउट। उसके साथ बॉलिंग की बात करेंगे, लास्ट के जो 5 मैचेस यहां पर खेले गए हैं उसमें दोस्तों पेसर्स को 31 विकेट मिली है, स्पिनर्स को 22 विकेट मिली है, यानी कि पेसर्स भी परफॉर्मेंस करेंगे इस पिच पर, स्पिनर्स भी परफॉर्मेंस करेंगे। ग्रैंड लीग टीम में दोस्तों पेसर्स को भी कैप्टन लगा के चल सकते हो और स्पिनर्स को भी सीवीसी ट्राई करके चल सकते हो। स्कोरिंग पैटर्न 150 से नीचे 3 बार स्कोर है, 150-170 के बीच में 4 बार स्कोर है, 170-190 के बीच में 3 बार स्कोर है, 190 से ऊपर अभी तक दोस्तों इस पिच पर 2 ही बार स्कोर देखने को मिला है। पिच की कंडीशन कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी, यहां पर दोस्तों पेसर्स भी परफॉर्मेंस करेंगे, स्पिनर्स भी परफॉर्मेंस करेंगे और बैटिंग ऑर्डर काफी बढ़िया परफॉर्मेंस करते नजर आएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर जो रीसेंट के मैचेस खेले गए हैं मुश्ताक अली ट्रॉफी के उसमें किस प्रकार का परफॉर्मेंस हुआ है, जो टीम पहले बैटिंग करके गई थी उसने कितने मुकाबले जीते थे और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने दोस्तों यहां पर किस प्रकार का परफॉर्मेंस किया है। जो टीम दोस्तों यहां पर पहले बैटिंग करके गई है यह वाला मुकाबला उस टीम ने हारा है, चेस करने वाली टीम ने मैच को विन किया और पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 183 रन का टारगेट रखा जिसमें 5 विकेट स्पिनर्स को मिली थी, 5 विकेट दोस्तों पेसर्स को। उसके बाद टीएसके वर्सेस एमआईएनवाई के बीच मुकाबला खेला गया, 4 विकेट स्पिनर्स को, 8 विकेट पेसर्स को। ये वो वाला मुकाबला भी दोस्तों जो टीम चेस करने आई थी उसी ने मैच को विन किया। फिर ये नंबर 3 का जो मैच है टीएसके वर्सेस एसओ के बीच मुकाबला खेला गया, 3 विकेट स्पिनर्स को, 5 विकेट दोस्तों पेसर्स को मिली और यहां पर भी जो टीम चेस करने आई है उसी ने ही मैच को विन किया था। उसके बाद दोस्तों ये वाला मैच है इस टीम में दोस्तों जो टीम पहले बैटिंग करके गई थी उसी टीम ने दोस्तों मैच को विन किया, चेस करने वाली टीम यहां पर मैच को हारी थी जिसमें 3 विकेट स्पिनर्स को मिली थी और 9 विकेट दोस्तों पेसर्स को मिली थी। तो ग्रैंड लीग टीम में दोस्तों इंपॉर्टेंट जो ट्रिक होगी वो ये होगी, जो टीम यहां पर पहले बैटिंग करेगी उसके थोड़े से विनिंग चांसेस कम देखने को मिल सकते हैं रीसेंट के मैचों के अकॉर्डिंग। बाकी दोस्तों यहां पर जो रीसेंट का जो परफॉर्मेंस है उसमें जो टोटल मैचेस खेले गए हैं उसमें दोस्तों यहां पर जो टीम पहले बैटिंग करके गई है उसी टीम ने मैचों को विन किया है, लेकिन रीसेंट में दोस्तों ये 3 ही मैचेस थे जिसमें जो टीम चेस करने आई है उसने मैच को विन किया। बाकी दोस्तों हेड टू हेड के रिकॉर्ड के अनुसार बात करें तो हेड टू हेड के रिकॉर्ड के अनुसार दोनों टीमों के बीच दोस्तों 7 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें दोस्तों यूएसए की टीम ने 5 मुकाबले विन किए हैं, 2 मुकाबले कनाडा की टीम ने विन किए हैं। रीसेंट के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग दोस्तों 5 में से 4 मुकाबले यहां पर यूएसए की टीम विन करके आ रही है, 1 ही मुकाबला दोस्तों यहां पर हारा है। बाकी अगर बात करें कनाडा के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग तो 5 में से 1 ही मुकाबला दोस्तों इस टीम ने विन किया है। रीसेंट के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, हेड टू हेड के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग यूएसए की टीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ग्रैंड लीग प्लस स्मॉल लीग टीम में दोस्तों इस टीम
के ऊपर हम कैप्टन प्लस वॉइस कैप्टन ट्राई करके चलेंगे। ये टीम काफी बढ़िया परफॉर्मेंस करेगी क्योंकि हेड टू हेड में भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस है, रिसेंट में भी दोस्तों काफी बढ़िया परफॉर्मेंस करके आ रही है। बात कर लेते हैं दोस्तों यूनाइटेड स्टेट की जो फाइनल प्लेइंग 11 होगी किस प्रकार से होगी, कौन से खिलाड़ी को हम कैप्टन लगाएं, कौन से खिलाड़ी को दोस्तों वॉइस कैप्टन लगाएं। यहां से दोस्तों पटेल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा या फिर दोस्तों ट्रेयर को यहां पर सीवीसी में ट्राई करके चलें। दोनों खिलाड़ियों में से दोस्तों कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस करेगा और इन टीमों में से दोस्तों कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस करेगा ग्रैंड लीग टीम में, क्योंकि ग्रैंड लीग टीम दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। नंबर एक की जो यूनिक ग्रैंड लीग टीम बनेगी उसमें से दोस्तों हम नंबर तीन के खिलाड़ी को ट्राई करके चलें, जोन्स को ट्राई करके चलें, एडर्सन को ट्राई करके चलें, या फिर दोस्तों यहां से जय सिंह को ट्राई करके चलना है या फिर दोस्तों खान को ट्राई करके चलना है, कौन सा खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होगा वो बात करेंगे दोस्तों फाइनली प्लेयर परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर स्टीवन ट्रेलर रिसेंट वाले मैच में बैटिंग नहीं, क्योंकि वार्म अप मुकाबला था उस मैच में दोस्तों इस खिलाड़ी ने बैटिंग नहीं की थी। उसके बाद 31 रन 0 विकेट, 28 रन 2 विकेट, 39 रन 1 विकेट, 54 रन 1 विकेट। ये खिलाड़ी दोस्तों बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस करके देगा, ओपनिंग बैट्समैन है, हाई सिलेक्शन वाला खिलाड़ी है। लगभग 40-45% दोस्तों इस खिलाड़ी का कैप्टन और वॉइस कैप्टन देखने को मिल जाएगा। रिसेंट में दोस्तों 31 रन 0 विकेट है, बाकी के हर मैच में इस खिलाड़ी ने बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस किया हुआ है, कंप्लीट 4 ओवर करवाते हुए नजर आएगा। हेड टू हेड में दोस्तों 6 मुकाबले खेले हुए हैं जिसमें 2 विकेट है, बैटिंग से 28 का एवरेज स्कोर है। ग्राउंड पे दोस्तों पहला मैच है, T20 फॉर्मेट में 11 विकेट ले चुका है और बैटिंग काफी बढ़िया करता है, 41 का एवरेज स्कोर है। तो अभी के लिए दोस्तों हम कैप्टन प्लस वॉइस कैप्टनशिप में इस खिलाड़ी को ट्राई करके चलेंगे। उसके बाद दोस्तों मोनांक पटेल विकेट कीपर ऑप्शन, रिसेंट में इस खिलाड़ी ने भी बैटिंग नहीं की। उसके बाद 42 रन 12 रन 2 रन 68 रन 50 रन T20 फॉर्मेट में 22 का एवरेज स्कोर है। हेड टू हेड में 6 मैचों में दोस्तों 165 रन है, 27 का एवरेज स्कोर है। ग्राउंड पे पहला मैच है, विकेट कीपिंग ऑप्शन में दोस्तों काफी बढ़िया चॉइस है, सेलेक्ट करके चल सकते हो, हाई सिलेक्शन वाले खिलाड़ी देखने को मिलेंगे दोनों यहां से। उसके बाद दोस्तों एंडरसिस रिसेंट में यहां पर बैटिंग नहीं, उसके बाद दोस्तों 27 रन, फिर यहां से 0 रन 23 रन 4 रन 57 रन 50 रन। हेड टू हेड में ओनली 3 ही मुकाबले दोस्तों इस खिलाड़ी ने खेले हुए हैं, 111 रन है, 37 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है। ग्राउंड पे दोस्तों पहला मैच है, 6 मुकाबले दोस्तों इस खिलाड़ी ने T20 में खेले हुए हैं, 26 का एवरेज स्कोर है, पिक करके चल सकते हो, काफी बढ़िया चॉइस है। विकेट कीपिंग ऑप्शन है, 2 विकेट कीपर आपको देखने को मिलेंगे, मोनांक है प्लस में, उस खिलाड़ी को पिक करके चल सकते हो, ये भी काफी बढ़िया चॉइस है। उसके बाद दोस्तों एरोन जॉनसन जोन्स रिसेंट में बैटिंग नहीं है, उसके बाद 2 रन 35 रन 4 रन 2 रन 15 रन 34 रन नाबाद। रिसेंट के मैचों में इतना खास परफॉर्मेंस नहीं है, हेड टू हेड में 7 मैचों में दोस्तों ये खिलाड़ी बिल्कुल फ्लॉप होता है। कनाडा के सामने दोस्तों इस खिलाड़ी का बहुत ही लो सिलेक्शन है और प्लस में इस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बात करें तो 7 मुकाबले दोस्तों इस खिलाड़ी ने कंटिन्यू खेले हुए हैं और 7 के 7 मैचों में ये खिलाड़ी फ्लॉप है। ग्राउंड पे पहला मैच है, T20 फॉर्मेट में ओनली 22 का एवरेज स्कोर है, अभी के लिए दोस्तों मैं इस खिलाड़ी को ड्रॉप करके चलूंगा। उसके बाद यहां से बात करेंगे कोरे एडर्सन की, रिसेंट में यहां पर बैटिंग नहीं है क्योंकि दोस्तों ये वार्म अप मैचों का परफॉर्मेंस है रिसेंट वाला, इसमें आपको किसी भी खिलाड़ी की बैटिंग या फिर बॉलिंग देखने को नहीं मिलेगी। इस मैच को छोड़ के बाकी का जो रिसेंट परफॉर्मेंस है काफी बढ़िया आपको देखने को मिलेगा हर खिलाड़ी का। यहां पर दोस्तों 18 रन फिर 11 रन 1 विकेट और 34 रन नाबाद प्लस में 0 विकेट 55 रन फिर उसके बाद 28 रन। हेड टू हेड में 2 मैचेस खेले हुए हैं, टोटल 83 रन है, 41 का एवरेज स्कोर है, हेड टू हेड में काफी बढ़िया बैटिंग करता है। ग्राउंड में पहला मैच है, T20 फॉर्मेट में 15 विकेट है, 26 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है, लेकिन दोस्तों हम इस खिलाड़ी को सीवीसी में ट्राई करके नहीं चलेंगे, ओपनिंग बैट्समैन काफी बढ़िया चॉइस होगा सीवीसी में ट्राई करने के लिए। उसके बाद दोस्तों यहां पर शार्डले रिसेंट में बैटिंग नहीं, 12 रन 0 विकेट 7 रन नाबाद प्लस में 2 विकेट 8 रन 2 विकेट 15 रन नाबाद प्लस में 0 विकेट। ये खिलाड़ी ट्रंप प्लेयर देखने को मिलेगा, यूनिक कैप्टन प्लस में यूनिक वॉइस कैप्टनसी में लो सिलेक्शन वाला खिलाड़ी है। हेड टू हेड में 4 मैचों में दोस्तों 6 विकेट है, T20 फॉर्मेट में 6 मैचों में दोस्तों 8 विकेट ये खिलाड़ी निकाल चुका है, 27 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है। ग्राउंड पे पहला मैच है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, प्लस में यूनिक ग्रैंड लीग टीम में दोस्तों कैप्टन प्लस वॉइस कैप्टनसी ट्राई करके चलना है और जो खिलाड़ी दोस्तों बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस करके देगा उस खिलाड़ी को जरूर ग्रैंड लीग टीम में कैप्टन ट्राई करके चलना, क्योंकि उन खिलाड़ियों का दोस्तों थोड़ा सा लो सिलेक्शन चलता है और जो ओपनिंग बैट्समैन है उन खिलाड़ियों का हाई सिलेक्शन देखने को मिलेगा। T20 मैचों में दोस्तों जो ये छोटी टीमें हैं इनके अकॉर्डिंग आप अगर यूनिक ग्रैंड लीग टीम बनाओगे आराम से दोस्तों GL विन हो सकती है और इन टीमों में दोस्तों आपको वही खिलाड़ी बैटिंग करते हुए नजर आएगा, वही खिलाड़ी बॉलिंग करते हुए नजर आएगा, ओपनिंग बैट्समैन में बैटिंग करेगा, 4 ओवर कंप्लीट करवाएगा, उस खिलाड़ी को यूनिक कैप्टनसी में ट्राई करके चलना है। उसके बाद दोस्तों हरमीत सिंह रिसेंट में बैटिंग नहीं, बॉलिंग नहीं, कुछ भी नहीं है, फिर यहां पर फ्लोप है, 33 रन नाबाद 0 विकेट, 14 रन नाबाद प्लस में 0 विकेट, उसके बाद 34 रन नाबाद
हैदराबाद प्लस में, 4 विकेट हेड टू हेड में 6 विकेट है, 48 रन है टी ट्वेंटी फॉर्मेट में, 6 विकेट इस खिलाड़ी को मिली हुई है, 81 रन इस खिलाड़ी ने टोटल बनाए हुए हैं। इंपॉर्टेंट प्लेयर है अली खान, रिसेंट में बॉलिंग नहीं फिर उसके बाद कंटिन्यू परफॉर्मेंस, हेड टू हेड में एक ही मुकाबला खेला हुआ है जिसमें 1 विकेट है, टी ट्वेंटी फॉर्मेट में दोस्तों 9 विकेट ये खिलाड़ी निकाल चुका है और लगभग ये खिलाड़ी 1 विकेट आज के मैच में कन्फर्म निकाल के देगा। उसके बाद दोस्तों जसदीप सिंह रिसेंट में फ्लोप है, फिर कंटिन्यू 1-1 विकेट इस खिलाड़ी ने निकाली हुई है, हेड टू हेड में 5 विकेट, टी ट्वेंटी फॉर्मेट में 12 विकेट, 1 विकेट दोस्तों मैं इस खिलाड़ी की तरफ से मान के चलूंगा। तो यहां पर दोस्तों ये जो बॉलर है ये भी इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर नासुतोस रिसेंट में यहां पर बॉलिंग नहीं, उसके बाद यहां पर 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, हेड टू हेड में 4 मैचों में 4 विकेट है, 6 मैच दोस्तों टी ट्वेंटी के ओनली 4 ही विकेट इस खिलाड़ी ने निकाली हुई है। अभी के लिए मैं इस खिलाड़ी को ड्रॉप ही करके चलूंगा। फिर दोस्तों यहां पर फाइनल यहां पर बॉलर शुभम रिसेंट में 0 विकेट है, फिर 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, हेड टू हेड में 7 मैचों में 7 विकेट है, ग्राउंड में पहला मैच है, 27 विकेट इस खिलाड़ी ने टी ट्वेंटी फॉर्मेट में निकाली हुई है। ये दोस्तों फाइनली यूनाइटेड स्टेट के फाइनल प्लेयर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लस में दोस्तों बात करें अगर इनके स्टार्टिंग और डेथ में कौन सा खिलाड़ी बॉलिंग करवाते हुए नजर आएगा, तो स्टार्टिंग में दोस्तों यहां पर शुभम और उसके साथ अली खान है, स्टीवन ट्रेलर है जो कि इंपॉर्टेंट प्लेयर है कैप्टन प्लस वॉइस कैप्टनशिप में, जसदीप सिंह है, ये दोस्तों टोटल 4 खिलाड़ी है। यहां पर आपकी टीम में स्टीवन ट्रेलर ये कैप्टन प्लस वॉइस कैप्टनशिप में ट्राई करके चलना है। डेथ में दोस्तों आपको यहां पर जसदीप सिंह ये बॉलिंग करवाते हुए नजर आएगा और स्टार्टिंग में भी ये खिलाड़ी बॉलिंग करवाते हुए नजर आएगा। अली खान भी दोस्तों स्टार्टिंग और डेथ में दोनों में आपको बॉलिंग करवाते हुए नजर आएगा। शुभम ये भी आपको स्टार्टिंग प्लस डेथ में दोनों में बॉलिंग करवाते हुए नजर आ सकता है। बाकी ये दोस्तों 3 से 4 बॉलर इंपॉर्टेंट होंगे। नंबर 1 पे अली खान को पिक करके चलना है, नंबर 2 पे यहां पर शुभम को आपको ट्राई करके चलना है, नंबर 3 पे दोस्तों यहां पर जसदीप सिंह और सीवीसी में स्टीवन, ये 3 से 4 खिलाड़ी दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद दोस्तों बात करें अगर बेंच प्लेयरों की, तो टोटल 4 बेंच प्लेयर है यहां पर दोस्तों। नितेश है, ये खिलाड़ी अगर खेलेगा तो रिसेंट में कंटिन्यू फ्लॉप है। बाकी दोस्तों ये 4 के 4 खिलाड़ियों का इतना खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है। बाकी अगर इनमें से कोई भी फाइनल खिलाड़ी अपडेट होता है वो अपडेट दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। वीडियो को लाइक करके रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। बात कर लेते हैं दोस्तों प्लेयर बैटल के बारे में। तो स्टीवन के बारे में बात करें तो यहां पर स्टीवन के आगे दोस्तों 2 खिलाड़ी हैं जिनको 1-1 बार ये खिलाड़ी आउट कर चुके हैं, और मोनांग पटेल को जाफर 3 बार आउट कर चुका है। उसके बाद दोस्तों यहां पर एंड्रीस ये इसको भी 1 बार आउट कर चुका है, और उसके बाद दोस्तों एरोन, ये टोटल 4 खिलाड़ियों का प्लेयर बैटल है। और यहां पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात वो होगी कि प्लेयर बैटल में इतना खास प्लेयर बैटल हमें देखने को नहीं मिला है, ओनली जाफर का। ये अगर खेलेगा तो इसको आप वीसी में जरूर ट्राई कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट प्लेयर है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनली यहां पर कनाडा की जो फाइनल प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी, इनमें से हमें किस खिलाड़ी को कैप्टन ट्राई करके चलना है, क्योंकि हेड टू हेड में ये टीम बहुत ही कम परफॉर्मेंस करती है। तो कैप्टन दोस्तों यहां पर आपको जाफर देखने को मिल जाएगा जो कि सीवीसी में काफी बढ़िया चॉइस होगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर हैलीगर, ये खिलाड़ी के बारे में बात करें तो इसका भी प्लेयर बैटल काफ़ी बार हमें देखने को मिला है, 2 ही खिलाड़ी यहाँ से इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। बाकी दोस्तों इनके रिसेंट परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो एरोन जॉनसन रिसेंट वाले मैच में 10 रन है, उसके बाद 33 रन, 1 रन, 74 रन, उसके बाद 16 रन। श्रेयस मोवा रिसेंट में दोस्तों कंटिन्यू फ्लॉप है, फिर यहाँ पर 20 रन नाबाद, 9 रन, 3 रन, विकेट कीपर ऑप्शन है, हेड टू हेड में 1 ही मुकाबला खेला है जिसमें ये खिलाड़ी फ्लॉप है, ग्राउंड पर दोस्तों पहला मैच है, टी ट्वेंटी फॉर्मेट में 13 का एवरेज स्कोर है। और यहाँ पर एरोन के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बात करें T20 मैचों की तो 16 मैचों में 50 का एवरेज स्कोर है, इस खिलाड़ी को ट्राई करके चल सकते हो। और रीसेंट के मैचों में दोस्तों 1 मैच में फ्लॉप है, 1 मैच में परफॉर्मेंस 16 रन, फिर उसके बाद दोस्तों 74 रन का परफॉर्मेंस किया, फिर यहां पर 1 रन, फिर यहां पर 33 रन का परफॉर्मेंस किया, फिर दोस्तों 10 रन है। तो आज के मैच में कुछ ना कुछ बड़ा स्कोर इस खिलाड़ी की तरफ से देखने को मिलेगा। हेड टू हेड में भी दोस्तों काफी बढ़िया बैटिंग इस खिलाड़ी की तरफ से देखने को मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों प्रगात सिंह रीसेंट में 13 रन, 1 विकेट, 16 रन, 0 रन, 27 रन, उसके बाद 19 रन, हेड टू हेड में 4 मैचेस, टोटल दोस्तों 62 रन इस खिलाड़ी ने बनाए हुए हैं, 15 का एवरेज स्कोर है, टी ट्वेंटी फॉर्मेट में 2 विकेट है, 20 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है। उसके बाद दोस्तों रविंद्र पाल सिंह की बात करें जो कि रिसेंट के मैचों में कंटिन्यू नाबाद है, 2 मैचों में हेड टू हेड में काफी तगड़ी बैटिंग होती है, 37 का एवरेज स्कोर है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, प्लस में यूनिक ग्रैंड लीग टीम में दोस्तों लो सिलेक्शन वाला खिलाड़ी है, नंबर 4 पे बैटिंग करेगा। और यहां से प्रगात सिंह की बात करें तो इस खिलाड़ी को आप ड्रॉप करके चल सकते हो, टी ट्वेंटी फॉर्मेट में 29 मैचेस खेले हुए हैं, 28 का एवरेज
स्कोर बैटिंग से है, टोटल 589 रन दोस्तों इस खिलाड़ी ने बनाए हुए हैं। और यहां से रविंदर पाल की सिंह की बात करें तो रिसेंट में दोस्तों कंटिन्यू ये खिलाड़ी दो मैचों से नाबाद है, हेड टू हेड में काफी बढ़िया बैटिंग करता है तो इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा। उसके बाद दोस्तों निकोलस रिसेंट में यहां पर 52 रन है, फिर यहां से 15 रन, 28 रन, 21 रन, 0 विकेट, 27 रन, 1 विकेट T20 फॉर्मेट में। अभी तक इस खिलाड़ी को एक ही विकेट मिली है। टोटल दोस्तों मैचेज खेले हुए हैं 14, जिसमें रन बनाए 264, 26 का एवरेज स्कोर बैटिंग से। हेड टू हेड में 4 मैचेज खेले हुए हैं, टोटल 91 रन है, 22 का एवरेज स्कोर बैटिंग से, प्लस में दोस्तों 1 विकेट है। अगर इस खिलाड़ी के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बात करें तो ट्रंप प्लेयर होगा यूनिक ग्रैंड लीग टीम में, और ये वाला मैच दोस्तों ग्रैंड लीग टीम में काफी बढ़िया और यूनिक ग्रैंड लीग टीम बनेगी। और जो कंटिन्यू यूजर जीएल खेल रहे हैं उनके लिए दोस्तों जैकपॉट मुकाबला होने वाला है। उसके बाद दिलप्रीत बाजवा रिसेंट में 3 रन, उसके बाद 33 रन नाबाद, 52 रन, 4 रन, 19 रन, प्लस में 1 विकेट। हेड टू हेड में दोस्तों 44 का एवरेज स्कोर है, T20 फॉर्मेट में 1 विकेट है, 30 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है। दिलप्रीत सिंह लगभग दोस्तों रिसेंट के मैचों में परफॉर्मेंस है, इस खिलाड़ी की बैटिंग कंफर्म देखने को मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों साद जाफर ये सीवीसी में तगड़ा च्वाइस होगा, प्लेयर बैटल में भी लगभग 2 से 3 खिलाड़ियों के सामने इस खिलाड़ी का प्लेयर बैटल हमें देखने को मिला है। रिसेंट में 2 रन, प्लस में 2 विकेट, फिर दोस्तों 20 रन नाबाद, प्लस में 2 विकेट, 29 रन नाबाद, 1 विकेट, 0 रन, 1 विकेट। हेड टू हेड में दोस्तों टोटल 7 मैच इस खिलाड़ी ने खेले हैं, टोटल 109 रन ये खिलाड़ी बना चुका है, 9 विकेट भी निकाल रखी है। ग्राउंड पे दोस्तों पहला मैच है, T20 फॉर्मेट में 43 विकेट है, 22 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है। उसके बाद दोस्तों ढिल्लों जो कि प्लेयर बैटल में काफी बार इसका भी नाम देखने को मिला है, रिसेंट के मैच में 13 रन नाबाद, प्लस में 4 विकेट, फ्लॉप है। उसके बाद 12 रन नाबाद, प्लस में 2 विकेट, फिर यहां से 11 रन, 0 विकेट। हेड टू हेड में 5 विकेट है, T20 फॉर्मेट में दोस्तों 39 विकेट है, 42 का एवरेज स्कोर बैटिंग से। दोनों खिलाड़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे और दोनों खिलाड़ियों में से किसी भी खिलाड़ी को ड्रॉप करके नहीं चलना है। प्लस में दोस्तों अगर यहां से कनाडा की टीम मैच को विन करके जाएगी तो ये खिलाड़ी या फिर ये खिलाड़ी, दोनों में से एक खिलाड़ी कैप्टन जरूर आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से एक खिलाड़ी बैटिंग से भी परफॉर्मेंस करके देगा, प्लस में बॉलिंग से भी परफॉर्मेंस करके देगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर निखिल दत्ता रिसेंट में यहां पर बॉलिंग नहीं है और कंटिन्यू फ्लॉप है, फिर 2-2 विकेट है, T20 फॉर्मेट में 24 विकेट है, हेड टू हेड में ओनली 2 ही विकेट। उसके बाद दोस्तों जेरमी गार्डोन रिसेंट में यहां पर 2 विकेट, उसके बाद 3 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 17 विकेट, T20 फॉर्मेट में 2 विकेट के साथ ये खिलाड़ी भी परफॉर्मेंस करके देगा और लो सिलेक्शन वाला खिलाड़ी है, पिक करके चलना है। निखिल की बात करें तो निखिल को आप ड्रॉप करके चल सकते हो। उसके बाद दोस्तों कलीम सना रिसेंट में यहां पर 1-1 विकेट के साथ परफॉर्मेंस कंटिन्यू, फिर 4 विकेट, उसके बाद 3 विकेट, T20 फॉर्मेट में 27 विकेट, इंपॉर्टेंट बॉलर है ये दोस्तों। फाइनली कनाडा के फाइनल प्लेयर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लस में दोस्तों बात करें इनके स्टार्टिंग और डेथ में जो खिलाड़ी बॉलिंग करवाएगा उनके बारे में, तो स्टार्टिंग में दोस्तों यहां पर कलीम आपको देखने को मिल जाएगा, फिर दोस्तों यहां पर जेरमी है, फिर यहां पर डिलोन है, उसके बाद डेथ में दोस्तों डिलोन और कलीम और यहां पर जेरमी, ये टोटल 3-3 खिलाड़ी दोस्तों स्टार्टिंग प्लस डेथ में बॉलिंग करवाते हुए नजर आएंगे। बाकी दोस्तों 1-2 और खिलाड़ी हैं जो कि यहां पर स्टार्टिंग या फिर डेथ में बॉलिंग करवाएंगे, वो अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। प्लस में दोस्तों ग्रैंड लीग टीम का कॉम्बिनेशन भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टोटल ये 4 खिलाड़ी आपको बेंच प्लेयर में देखने को मिलेंगे और इनमें से दोस्तों कोई भी खिलाड़ी अगर खेलता है वो अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाली लगातार अपडेट के लिए। बात करें अगर प्लेयर बैटल के बारे में तो प्लेयर बैटल में टोटल दोस्तों यहां पर 1, 2, 3 और 4, 5, 6 खिलाड़ियों का प्लेयर बैटल है। तो इसमें से दोस्तों बात करें अगर स्टीवन ट्रेलर की तो एक बार तो यहां पर नाम देखने को मिला है, उसके बाद दोस्तों कहीं पर भी नाम इस खिलाड़ी का देखने को नहीं मिला। ये खिलाड़ी एक ही खिलाड़ी को निकोलस को ओनली एक बार आउट कर चुका है। दिलप्रीत के सामने बात करें तो 2 बॉलर है। सबसे खराब प्लेयर बैटल दोस्तों यहां पर प्रगात सिंह का है और एरोन का है, 2 ही खिलाड़ियों का प्लेयर बैटल थोड़ा सा खराब है। बाकी दोस्तों टोटल 6 खिलाड़ियों का प्लेयर बैटल देखने को मिल जाएगा। और यहां से दोस्तों इंपॉर्टेंट प्लेयरों की बात करें तो यहां पर पटेल को आप ट्राई करके चल सकते हो और यहां पर हमीद सिंह को आप ट्राई करके चल सकते हो। बात कर लेते हैं फैंटेसी के हाई सिलेक्शन वाले खिलाड़ियों के बारे में कि कौन से खिलाड़ी का सबसे ज्यादा हाई सिलेक्शन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों स्टीवन ट्रेलर, मोनांक ओकोरी और हरमीत सिंह, इधर से दोस्तों यहां पर एरोन जॉनसन और दिलप्रीत बाजवा, साद जाफर, उसके बाद कलीम सना, ये टोटल 8 खिलाड़ियों का हाई सिलेक्शन वाले खिलाड़ियों का प्लेयर बैटल है। वो टोटल ये दोस्तों 8 खिलाड़ी हैं जिनका सबसे ज्यादा हाई सिलेक्शन देखने को मिलेगा आज के मैच में। ट्रंप प्लेयरों की बात करें तो रविंदर पाल सिंह है, ढिल्लों है, उसके साथ दोस्तों एंड्रीस है, उसके बाद यहां पर साज, ये आपको टोटल
चार खिलाड़ी लो सिलेक्शन वाले खिलाड़ी देखने को मिलेंगे जो कि आज के मैच में ड्रीम टीम में दोस्तों देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करें मेरी आज की फाइनल फैंटेसी टीम के बारे में तो यहां पर दोस्तों आपको मोनांक पटेल दो आपको यहां पर विकेट कीपर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। नीचे दोस्तों तीन बैटिंग ऑर्डर हैं, चार मैंने यहां पर विकेट कीपर सॉरी ऑलराउंडर ट्राई किए हुए हैं। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो कलीम भी है, यहां पर तीन आपको बॉलिंग सेक्शन देखने को मिल जाएंगे। लगभग सेम सी मेरी दोनों फाइनल फैंटेसी टीमें आपको देखने को मिल जाएगी। स्टीवन को दोस्तों मैंने दोनों टीमों में कैप्टनसी ट्राई किया हुआ है और बाकी दोस्तों यहां पर कैप्टन प्लस वॉइस कैप्टनसी की बात करें तो कोरे को आप सीवीसी में ट्राई करके चल सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये खिलाड़ी भी काफी बढ़िया चॉइस है, सीवीसी में ट्राई करके चल सकते हो। और यहां पर अगर बात करें दिलप्रीत बाजवा की, उसके बाद दोस्तों यहां पर बॉलिंग सेक्शन में एक दो खिलाड़ी को कैप्टन प्लस वॉइस कैप्टनसी में ट्राई करके चल सकते हो। बाकी दोस्तों यूनिक ग्रैंड लीग टीम का कॉम्बिनेशन जाफर, ये खिलाड़ी दोस्तों ट्रंप कार्ड खिलाड़ी होगा। अगर यहां से कनाडा की टीम मैच को विन करके जाएगी तो इस खिलाड़ी की तरफ से या तो दो विकेट या फिर तीन विकेटों के साथ परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकता है। बाकी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से ज्वाइन कर लेना। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है आने वाली लगातार अपडेट के लिए। तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।